जागरूकता से सुरक्षा थीम पर पुलिस ने अभियान चलाया। टावर चौक पर डीएसपी हेडक्वार्टर सोनू परमार एवं महिला थाना प्रभारी रेखा वर्मा के नेतृत्व में युवतियों, महिलाओं एवं आमजन को संदेश दिया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी परेशानी हो तो जागरूकता दिखाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि खड़े होकर बस वीडियो बनाते रहे। आज शहर के अलग अलग स्पॉट पर पुलिस की महिला सुरक्षा अभियान की टीम आज जागरूकता के लिए लोगों को समझाकर संदेश देगी। डीएसपी ने बताया कि उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में एसपी अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया है। वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो आज का शिविर था, किस प्रकार से इसका उद्देश्य है और सरकार की क्या मंशा है और किस प्रकार से क्या रहेगा? उज्जैन पुलिस के द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप जो महिलाओं के लिए एक सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है और इसमें जगह जगह तिराहा चौराहा जो तमाम ग्रुप्स हैं, एनजीओ ग्रुप हैं, उनके माध्यम से पब्लिक के बीच में पहुंचा जा रहा है और उसमें सभी प्रकार के उपाय कि हम महिलाओं का सम्मान कैसे करें, साथ में अपराधों की रोकथाम कैसे करें और कानूनी प्रावधान भी बताया जा रहा है ताकि सभी जो लोग हैं उसको मतलब जागरूक हों और जो हमारी नारी शक्ति है, जो महिला हैं, उनका सभी लोग सम्मान करें। इसको लेकर के हर गली मोहल्ले में भी ये अभियान उज्जैन पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। आज जो माधवनगर थाने के अंतर्गत टावर चौराहे पर इस प्रकार का एक अभियान चलाया गया जिसमें काफी जो स्थानीय लोग हैं, जो आम पब्लिक के लोग हैं, उसमें शरीक हुए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।